नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे TCS के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, TCS के क्वार्टर वन का रिजल्ट का इफेक्ट इसके स्टॉक्स पे भी पड़ेगा, तो हम इसके स्टॉक्स के भी लेवल्स और टारगेट के बारे में बात करेंगे। हमने पीछे भी एक वीडियो डाला था, यहाँ पर देखते हैं TCS क्वार्टर वन रिजल्ट 2021 इसके लेवल्स टारगेट, इस पर भी हमने आपको बताए थे। लेकिन उस पर रिजल्ट का क्या इफेक्ट होगा उसको आप अच्छी तरह से इस वीडियो में जान पाएंगे, क्योंकि जो रिजल्ट आया है उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट में गिरावट आई है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे लेवल्स और टारगेट के बारे में। तो दोस्तों, ये है PDF जो कि हमने BSE इंडिया के वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आप कोई भी रिजल्ट देखना चाहते हैं किसी भी कंपनी के, तो आप BSE पर जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे, तो BSE इंडिया से हमने डाउनलोड किया। यहां पर देख सकते हैं, ये फाइनेंशियल रिजल्ट है। बोर्ड मीटिंग का भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहां पर रिजल्ट का PDF है। यहां PDF पर क्लिक करके मैंने PDF डाउनलोड कर लिया है। अब यहां से आप देख सकते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, यहां पर नाम है कंपनी का, ऑडिटेड कंसोलिडेटेड इंटरिम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। यहाँ पर रेवेन्यू आप देख सकते हैं 38,000 करोड़ का है जून क्वार्टर में। वहीं पर जून क्वार्टर जो 19 था उसमें था 38,000 करोड़, इसमें 38,322 करोड़ रेवेन्यू आपने देख लिया, इंक्रीज हुआ है। और अदर इनकम जो है इसमें जून 19 में काफ़ी ज़्यादा था, देखते हैं 1675 करोड़ था, यहाँ पर 598 करोड़ है। तो यहाँ पर जो है जो अदर इनकम है उसमें काफ़ी गिरावट आई है, तो जिसके कारण आप यहाँ पर देखते हैं ये जो हो गया जून 19 में 39,847 करोड़ हो गया टोटल जो इनकम है। और टोटल इनकम जो है जून 2020 में वो हो गया 38,920, तो काफ़ी गिरावट आया है टोटल इनकम में। उसके बाद जब टोटल इनकम में गिरावट आया है तो देखते हैं उसके बाद टोटल एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस बहुत मायने रखता है। तो टोटल एक्सपेंस देखिएगा तो 29,274 है जून 20 में, और जून 19 में है हमारा 28,952। तो यहाँ पर देखते हैं एक्सपेंस बढ़ा है और टोटल इनकम घटा है, तो प्रॉफिट में क्या होगा, गिरावट। तो यहाँ एक्सपेंस में कहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में देखते हैं 22,000 करोड़ यहाँ पर है मात्र 20,000 करोड़ जून 19 में। तो जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स है ये एक्सपेंस काफ़ी इंक्रीज हुआ है इस लॉकडाउन में, इस पैंडमिक में, जिसके कारण आप यहाँ पर आप प्रॉफिट पे चलते हैं तो प्रॉफिट में आप देखिएगा काफ़ी गिरावट हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, तो टोटल जो कम्प्रिहेंसिव इनकम है फॉर द पीरियड वो है 7,825, और जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम था जून 19 में वह था 8,345। तो यहां से ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी डिक्रीज हुआ है, और यहां पर देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी, जो हमारा पिछला क्वार्टर था मार्च क्वार्टर उससे के बेसिस पे भी काफ़ी डिक्रीज हुआ है। तो जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी डिक्रीज हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, यहाँ पर भी देखते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में काफ़ी इंक्रीज हुआ था अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अगर ये इंक्रीज नहीं होता तो और ज़्यादा आपको प्रॉफिट में लॉस होता हुआ दिखाई देता। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम काफ़ी इंक्रीज हुआ था जिसके कारण यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंक्रीज दिख रहा है, नहीं तो और ज़्यादा लॉस होता। उसके बाद जो अर्निंग पर शेयर है वो हो गया 18.68 रुपीज अर्निंग पर शेयर, और जो पिछला जून क्वार्टर 19 का था उसमें 21.67, तो कुल कितना का 3 रुपीज का, अप्रॉक्स 3 रुपीज का अर्निंग पर शेयर में फॉल है। तो आप समझ सकते हैं कि करेक्शन कितना संभव है इसके स्टॉक्स में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस अर्निंग पर शेयर में काफ़ी गिरावट आई है। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड जो है पर शेयर वो है 5 रुपीज़ का, तो डिविडेंड भी आपको मिला है 5 रुपीज़ पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 फेस वैल्यू, तो 1 रुपया फेस वैल्यू जो कंपनी का उस पर 5 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दिया गया है। तो ये कंप्लीट रिजल्ट का एनालिसिस था। अब हम इसके लेवल्स और टारगेट की बात करेंगे। तो हम आ चुके हैं जीरोधा के वेबसाइट पर। दोस्तों, जीरोधा में अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाइए, जीरोधा में अभी अकाउंट ओपन कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर डिलीवरी में अगर आप बाय करते हैं स्टॉक्स डिलीवरी के लिए तो कोई चार्ज नहीं लगता है, और ट्रेडिंग में मैक्सिमम ट्रेडिंग में पर ट्रेड आपको ₹20 चार्ज लगता है। तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से अभी जाइए, जीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए।
यहाँ पर साढ़े चार देख सकते हैं, हम साढ़े चार जो है जिरोधा में ही देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं शॉर्ट टर्म में इसका क्या लेवल और टारगेट होगा TCS का। तो ये देखते हैं, ये हमारा है जो ये ब्लू लाइन देख सकते हैं 200 डे का मूविंग एवरेज है, ये हमारा येल्लो लाइन जो ऊपर देख रहे हैं, ये जो नीचे से ऊपर गया है ये 20 डे का मूविंग एवरेज। फिर ये जो हमारा ग्रीन लाइन है ये है हमारा 100 डे का मूविंग एवरेज, ये येल्लो लाइन है हमारा 50 डे का मूविंग एवरेज। तो 200 डे के मूविंग एवरेज से यहाँ पर देख सकते हैं कि TCS जो है काफ़ी ऊपर जा चुका है। 200 डे का मूविंग एवरेज जो है वो है 2069 रुपीज़, और जो 100 डे का मूविंग एवरेज है वो है 2023 रुपीज़। तो दोनों मूविंग एवरेज से 100 डे से, 200 डे से, साथ ही साथ 50 डे से काफ़ी ऊपर जा चुका है स्टॉक्स। मतलब यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था 2000 के लेवल से। तो 2000 का जो लेवल है इसका सबसे पहला सपोर्ट लेवल है, मतलब एक जो मेजर सपोर्ट लेवल है, मेजर सपोर्ट लेवल है 2000 TCS के लिए। 2000 के लेवल को जब ये ब्रेक करता है तो दूसरा लेवल आ जाता है ये आपको 1875 इसका सबसे मेजर सपोर्ट है। तो पहला जो सबसे मेजर सपोर्ट है वो है 2000, दूसरा जो मेजर सपोर्ट है वो है 1875। तो दो मेजर सपोर्ट है, तो आपको इन दोनों मेजर सपोर्ट पे ध्यान रखना है, पहला 2000 के लेवल पे, दूसरा 1875 के लेवल पे। ये है हमारा TCS का चार्ट, इसमें हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें, करेंट प्राइस इसका देखते 2212 रुपीज़ है, और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन डे में इसमें गिरावट आया है रिजल्ट के दिन 6 रुपये का। मतलब पहले से ही मार्केट को पता था कि रिजल्ट थोड़ा ख़राब आने वाला है। तो आप IT सेक्टर की कंपनियों को समझ सकते हैं, जब TCS के रिजल्ट ख़राब है तो और सारी बहुत सारी कंपनियों के भी रिजल्ट ख़राब हो सकते हैं, ऐसी हम संभावना व्यक्त करते हैं। रिजल्ट किसी का भी बेहतर भी हो सकता है, किसी का ख़राब भी हो सकता है। 5 डेज में देखिएगा, 5 डेज में अभी भी ये अच्छा रिटर्न दे रहा है इन्वेस्टर को 1.69% का। फिर आप देखिए 1 मंथ में और काफ़ी अच्छा रिटर्न ये दे रहा है अपने इन्वेस्टर को 4.92% का। 6 मंथ में देखिएगा तो 6 मंथ में ये अपने प्राइस को रिकवर किया है, नहीं किया है, 6 मंथ में फ्लैट है। ईयर टिल डेट में देखिएगा तो ईयर टिल डेट में भी ये फ्लैट है। तो आप मैक्सिमम ईयर में बात कर लेते हैं, मैक्सिमम ईयर में चार्ट देखते हैं TCS का काफ़ी शानदार है। मैक्सिमम ईयर में आपको काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट दिया है TCS ने, यहाँ से देख लीजिए मैक्सिमम ईयर में कितना बेहतरीन चार्ट है इसका, 1738% का रिटर्न दिया है मैक्सिमम ईयर में, तो काफ़ी बेहतरीन चार्ट में से एक है। तो TCS में आपको हम बाइंग लेवल बता ही दिए कि सबसे पहला जो मेजर सपोर्ट है 2000 लेवल, अगर ये रिजल्ट पे रिस्पांस करता है, इसमें गिरावट आती है तो आप जो है अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 2000 लेवल का वेट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मार्केट के डायरेक्शन पे भी निर्भर करेगा, अगर मार्केट में फॉल आता है, मार्केट में करेक्शन आता है तो निश्चित है ये 2000 लेवल तक आराम से आ जाएगा। अगर रिजल्ट पे पूरी तरह से मार्केट इस पे रिएक्ट करता है तो आपको बताया सबसे जो मेजर सपोर्ट दूसरा लेवल है नीचे का वो है 1875। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि TCS में आपको क्या करना चाहिए। TCS का रिजल्ट में जो फॉल था प्रॉफिट में वो भी आपने देख लिया, तो उसके अनुसार आप अपना डिसीजन लेंगे। ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस था, आप अपना रिसर्च खुद करेंगे कोई भी डिसीजन लेने से पहले, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो।